मैं आपका दोस्त कुणाल परार आपका स्वागत करता हूं इन बियॉन्ड टेक्निकल्स विद कुणाल में। आज हम बैंक निफ्टी इंडेक्स चार्ट एनालिसिस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है जहाँ पे जाके आप मुझे जुड़ सकते हो, प्लस जीफी डीमैट अकाउंट ओपनिंग की भी लिंक दी है जहाँ पे जाके आप डीमैट अकाउंट भी ओपन करा सकते हो। तो आइए दोस्तों, बैंक निफ्टी इंडेक्स चार्ट एनालिसिस करते हैं ऑन जीफी। दोस्तों आज हमें बैंक निफ्टी इंडेक्स में एक ब्रेकडाउन आते हुए दिखा है एंड पिछले कई सारे वीडियो में हमने ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन की बात की है एंड आप देख सकते हो कि लोअर बैंड का सपोर्ट लेने के बाद काफी अच्छी मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में आती हुई दिखी है एंड आज उसी लोअर बैंड का ब्रेकडाउन हमें ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन आते हुए दिखा है। दोस्तों ये है राइजिंग वेज फॉर्मेशन एंड हमने पिछले कई सारे वीडियो में इस राइजिंग वेज फॉर्मेशन का डिस्कशन किया है। आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो लोअर बैंड के नीचे है, यानी कि एक क्लियर ब्रेकडाउन आज हमें मिला है इन बैंक निफ्टी। आज जो लो बना है वो है 22,028 का। तो दोस्तों ये ब्रेकडाउन के बेस पे हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक वीकनेस बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है एंड ये जो वीकनेस है वो 21,640 तक जा सकती है, यानी कि पहला लेवल जो आ रहा है वो है 21,640 का एंड अगर वो लेवल भी ब्रेक होता है तो 20,950 तक के भी लेवल हमें बैंक निफ्टी दिखा सकती है। तो दोस्तों ये रहा फॉर्मेशन की बात, फॉर्मेशन के बेस पे एक डाउनसाइड की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। आइए इंट्राडे चार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले एक इंट्राडे सेटअप दिखाया था 50 MA ऑन 5 मिनट चार्ट एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो रेड लाइन है इट्स अ 50 MA। आप देख सकते हो कि किस हिसाब से रेजिस्टेंस फेस करने के बाद हमें डाउनसाइड की मूवमेंट बैंक निफ्टी में दिखी। डाइंग आवर्स में, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डाइंग आवर्स में भी 50 MA का एक रेजिस्टेंस फेस किया था। आज के दिन की बात करूं तो फर्स्ट हाफ में आप देख सकते हो किस हिसाब से सपोर्ट लेने के बाद एक हमें ब्रेकडाउन मिला उसी सपोर्ट लेवल का एंड किस हिसाब से सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखी, यानी कि आप देख सकते हो कि किस हिसाब से बैंक निफ्टी इंट्राडे चार्ट पे 50 MA को रिलीजियसली फॉलो कर रही है। एंड दोस्तों बियॉन्ड द टेक्निकल विद कुणाल में ज्वाइन करने का यही एक बेनिफिट है कि हम आपको बाकायदा ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बताते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल के बारे में बात करो तो हम YouTube चैनल पे आप देख सकते हो कि कई सारे वीडियो में हमने आपको एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बताया है। अगर टेलीग्राम चैनल की बात करें तो टेलीग्राम चैनल में भी कई सारे ऐसा सेटअप है जिसके बारे में हमने आपको बताया है, यानी कि बियॉन्ड द टेक्निकल विद कुणाल में जुड़ने का यही बेनिफिट है कि आपको ट्रेड सेटअप के बारे में बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे मिलेगी एंड उसके साथ साथ आपको ट्रेडिंग में भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो आइए दोस्तों अब हम हमारी टेलीग्राम चैनल की बात करते हैं। दोस्तों ये है हमारी टेलीग्राम चैनल जहाँ पे हमने थ्रू आउट द ट्रेडिंग सेशन कुछ कॉल दिए थे। सबसे पहला जो कॉल था वो था ACC एंड दोस्तों आप देख सकते हो कि काफी अच्छे मूवमेंट हमें ACC में आती हुई दिखी थी। इंट्राडे में 1353 तक की हाई हमें ACC में देखने को मिली थी, हमने पार्ट प्रॉफिट बुक कराया है। पोजिशनल कॉल है, लाइकली चांसेस है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ये जो हमारा टारगेट है वो अचीव होते हुए हमें दिखे। दूसरा कॉल था PVR का, उसमें एसएल हिट होते हुए हमें दिखा था। तीसरा कॉल था हिंडाल्को का 165 का CE हमने दिया था एंड उसमें हमने पार्ट प्रॉफिट भी बुक कराया था एंड लास्ट में हमें उसमें टारगेट अचीव होते हुए भी दिखा था, यानी कि ये बेनिफिट रहता है हमारे साथ जुड़ने का। तो दोस्तों आज हम ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में बात करेंगे अभी, तो आइए ट्रेडिंग लेवल्स को बैंक निफ्टी इंट्राडे की बात करते हैं। बैंक निफ्टी इंट्राडे लेवल्स फॉर 14 जुलाई, अपर ब्रेकआउट लेवल है 22,309 का। अगर बैंक निफ्टी 22,309 के ऊपर सस्टेन होती है तो पहला जो लेवल हमें देखने को मिल सकता है वो है 22,420 का एंड वो भी ब्रेक होता है तो 22,475 का दूसरा लेवल भी हमें अचीव होते हुए दिख सकता है, जबकि लोअर लेवल पे जो सपोर्ट हमें मिलेगा वो है 22,198 का एंड लोअर ब्रेकडाउन लेवल है 22,044 का। अगर बैंक निफ्टी 22,044 का लेवल ब्रेक करती है तो नीचे में 21,935 का पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है एंड वो ब्रेक होता है तो 21,877 का भी दूसरा लेवल हमें अचीव होते हुए दिख सकता है, जबकि उस लेवल पे जो रेजिस्टेंस हमें दिखेगा वो है 22,155 का। तो दोस्तों प्लीज ये लेवल नोट डाउन करके रख लीजिए, ये लेवल की एक्यूरेसी मैंने आपको पहले भी बताई थी एंड इस लेवल के बेस पे आप काफी अच्छा ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स प्लीज स्टे ट्यून्ड विद बियॉन्ड द टेक्निकल्स विद कुणाल, सब्सक्राइब आवर चैनल बियॉन्ड द टेक्निकल्स विद कुणाल एंड आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल। एंड दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगा, कल एक लर्निंग संडे था, हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे काफी चार्ट डिस्कस किए थे, काफी चार्ट शेयर किए थे विद प्रॉपर फॉर्मेशन। जो जो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन है उन लोगों को
उस चार्ट के बेस पे काफी अच्छा फायदा मिला है एंड वो कुछ ना कुछ हमारे चैनल के थ्रू सीख रहे हैं। तो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल फॉर डेली चार्ट अपडेट्स एंड मोर। थैंक यू।